बालिका वधु की आनंदी यानी प्रत्युषा के सुसाइड पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अब इस मामले में सिंदूर का भी सस्पेंस सामने आया है। प्रत्युषा मुंबई में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, अब बॉयफ्रेंड से उसके रिश्ते को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कोकिलाबेन अस्पताल से प्रत्युषा का शव देखकर आए सितारों का कहना है कि प्रत्युषा की मांग में सिंदूर दिख रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि सिंदूर के मायने क्या हैं। क्या प्रत्युषा ने सिंदूर लगाकर सुसाइड किया या फिर प्रत्युषा ने पहले से सिंदूर लगा रखा था। और इस पूरे मामले में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल का बयान भी दर्ज हुआ है। अपने बयान में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड ने बताया कि वो और प्रत्युषा साथ रहते थे और घर की दो चाबियां हैं। शाम 5:30 बजे वो घर पहुंचे और अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला। अंदर के कमरे में उन्हें प्रत्युषा पंखे से लटकी मिली। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों की मदद से प्रत्युषा को पंखे से उतारा और कोकिलाबेन अस्पताल ले गए। वहां मौत की पुष्टि के बाद उन्होंने प्रत्युषा के दोस्तों और उनके परिवार वालों को फ़ोन किया, लेकिन डर की वजह से पुलिस को फ़ोन नहीं किया। प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड के मुताबिक हादसे के वक्त प्रत्युषा जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी। इस बीच प्रत्युषा का परिवार भी जमशेदपुर से मुंबई पहुँच चुका है। पुलिस को मौके से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता आपको इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, ये सिंदूर से सस्पेंस और गहरा गया है, जो अभी हम देख रहे हैं कि कई साथी कलाकार जो देखने आ रहे हैं उनसे भी आप लोगों की बातचीत हो रही, तो ये लोग क्या कह रहे हैं जो इस वक्त प्रत्युषा के शव को देखकर आए? प्रवीण, देखिए ये जो अहम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा खड़ा हो गया कि आखिरकार जो प्रत्युषा के डेड बॉडी पर सिंदूर कहाँ से और कैसे आया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रत्युषा ने सुसाइड करने से पहले ही ये सिंदूर लगाया था, क्या प्रत्युषा किस बात की तैयारी कर रही थी। कई ऐसे सवाल थे। मुंबई पुलिस के साथ साथ प्रत्युषा का परिवार भी जानना चाहता है। और इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि टीवी इंडस्ट्री के कुछ कलाकार मुंबई के सिद्धार्थ अस्पताल में पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें डेड बॉडी देखने की परमिशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो एक प्रोसेस होता है कि पोस्टमार्टम से पहले जो विक्टिम है यानी कि जो प्रत्युषा बनर्जी है उसके जो ब्लड रिलेशन या माँ बाप उसकी बॉडी को पहचाने, फिर एक एनओसी सर्टिफिकेट इश्यू करें, उसके बाद पोस्टमार्टम में जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुके। हालांकि उनके माँ बाप मुंबई में लैंड हो चुके हैं और किसी भी वक्त सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंच कर वो एनओसी साइन करेंगे और जो प्रत्युषा बनर्जी उसकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि पुलिस भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार प्रत्युषा बनर्जी की जो मौत की असली वजह क्या है। क्या मौत से पहले प्रत्युषा बनर्जी को कुछ दिया गया था या फिर कुछ नशीले पदार्थ लिए थे, ये सारे जो खुलासे हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही होंगे। और इस पूरे मामले में जो एक अहम गवाह है और जो आई विटनेस है, जो उसका खुद बॉयफ्रेंड है राहुल राज, उसे स्टेटमेंट उसका पूरा हो चुका है और पुलिस ने उसे रडार पर रखा हुआ है। साथ ही साथ उसका कहना है कि इस पूरे मामले में जब भी जरूरत पड़ेगी उससे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस को इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, किस वजह से प्रत्युषा की रिपोर्ट मौत हुई है। और माना जा रहा है कि शाम के 4 से 5 के बीच में जो प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाएगी, तो कहने के पुलिस को ये आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार जो प्रत्युषा बनर्जी है उसकी मौत की असली वजह क्या है। प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका, हम लगातार आपसे जानकारियां लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। वही सामाजिक कार्यकर्ता प्रत्युषा की खुदकुशी की जाँच की मांग कर रहे हैं। अफसोस होता है जब यंग लोग, यंग बच्चे इस तरह से जो अपने प्रोफेशंस में बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके बावजूद अगर ऐसी कोई घटनाएं सामने आती हैं। और क्योंकि वो एक लड़की हैं और एक वेल नोन एक्ट्रेस हैं, उसके बावजूद अगर उनको ये करना पड़ा है तो शायद इन्वेस्टिगेशंस निकाल कर लेकर आए बाहर कि क्या वजह रही होगी। मगर आई फील दैट ये महिलाओं को, लड़कियों को, युवाओं को, इनफैक्ट किसी को भी अपनी जान लेने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। मैं समझती हूँ उसकी प्रॉपरली छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि अपनी जान दे देना कोई आसान बात नहीं है। कोई इसके पीछे कोई बहुत ही गहरी साजिश होगी, उसको महाराष्ट्र सरकार को देखना चाहिए और इसमें जो भी इसका गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए। और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उन कलाकारों से भी जो साथी कलाकार रहे हैं प्रत्युषा के, या उनको जानते थे नज़दीक से, उनके काम को जानते थे। स्मिता सिंह ऐसी एक जानी पहचाना चेहरा है टेलीविज़न इंडस्ट्री का, वो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रही हैं। स्मिता जी, प्रत्युषा आखिरी दिनों में
डिप्रेशन से गुजर रही थी, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसकी मांग में सिंदूर था। क्या कुछ निजी जीवन की भी जानकारियां आपके पास हैं कि आखिरी दिन कैसे थे प्रत्युषा के? हमारी कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई थी और उसने बहुत सारी बातें हमसे शेयर करती थी, लेकिन ऐसा कुछ उसने बताया नहीं। बार बार मैंने पूछा पीयू तुम खुश तो हो ना, बोलती हाँ सीता जी आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, एवरीथिंग इज गुड। क्योंकि जब जब वो लाइफ में कभी भी अनहैप्पी रही है तो वो सीधा हमारे घर आ जाती थी, तो ऐसा कुछ उसने बताया नहीं था। एंड ऑल ऑफ अ सडन मतलब हाँ एक चीज थी कि बहुत इमोशनल लड़की है, बहुत जल्दी अटैच हो जाती थी और बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती थी क्योंकि बहुत क्लीन हार्टेड लड़की थी। तो अभी तक हमको यकीन नहीं हो रहा, मतलब स्टेट ऑफ ब्लाइंड। स्मिता जी, क्या आप प्रत्युषा और राहुल के रिश्ते को लेकर, जाहिर सी बात है आप लोग सब डिस्कस करती थी वो आपसे, तो ये जानकारी भी होगी इन लोगों का रिश्ता कैसा रहा और किस तरह ये लोग साथ में थे, खुश थे नहीं थे? हाँ उसने मुझे एक बार फोन करके बुलाया था और मुलाकात हुई थी मेरी राहुल से, तो बात बात की थी और उसने बताया बोलती कि मैं आपके बारे में बता रही थी तो मैं चाहती थी कि आप मिलो इससे, तो मुलाकात वगैरह हुई थी और ऐसा क्यों ने कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं कि चीज अनहैप्पी और एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं। बस पता नहीं क्यों उसने ऐसा स्टेप उठाया, ये तो समझे कुछ डेफिनेटली कुछ एक्सट्रीम हुआ होगा क्योंकि इतनी वीक भी नहीं थी, थोड़ा हैंडल कर सकती थी, कुछ डेफिनेटली कोई बड़ी बात हुई होगी एंड ऑल ऑफ अ सडन हुई होगी क्योंकि इतना बड़ा स्टेप उठाना एंड शी हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी में पहली बार उसने कोई सफरिंग देखी एंड शी कुडंट हैंडल, ऐसा नहीं था। तो ये आखिरी कुछ दिनों में क्या हुआ है ये बड़ा जांच का विषय रहेगा। आपने हमसे बातचीत की, कुछ जानकारियां दी, स्मिता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। स्मिता सिंह साथी कलाकार भी थी और जैसा उन्होंने बताया कि जब भी कुछ होता था प्रत्युषा अप्स एंड डाउन से गुजरती थी तो उनके घर भी आती थी, उनसे बात भी करती थी, हर छोटी बड़ी बात को उनसे शेयर करती थी, लेकिन हाल के दिनों में प्रत्युषा ने ऐसी कोई बात शेयर नहीं की थी, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। छोटे पर्दे की बड़ी आनंदी यानी प्रत्युषा बनर्जी की खुदकुशी की खबर से जमशेदपुर में भी मातम पसर गया है। अपनी इस बेटी पर नाज करने वाले जमशेदपुर के लोग इस खबर से बेहद सदमे में हैं क्योंकि प्रत्युषा ने अपनी लगन और मेहनत से जो मकाम हासिल किया था कई लोग उसका सिर्फ सपना देखते रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि उसने मौत को गले लगा लिया? प्रत्युषा के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। बेहद हसमुख, खुश मिजाज और जिंदा दिल, प्रत्युषा को करीब से जानने वाले यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उसके जैसी जिंदा दिल लड़की खुदकुशी कैसे कर सकती है। जिन हालात में प्रत्युषा का शव मिला है उससे पुलिस इसे खुदकुशी का केस मानकर ही चल रही है, लेकिन प्रत्युषा के रिश्तेदार और करीबी दोस्त इसके पीछे साजिश की आशंका जता रहे हैं। मेरी दोस्त चली गई, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी, मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है, मुझे लगता है ये मर्डर है। वेरी डिप्रेसिंग है बिकॉज़ जिस तरीके से वो आई थी, जिस बैंक से इतनी फेमस हो गई थी, आई थिंक हर कोई हम सब उसे पसंद करते थे, हर घर की वो फेवरेट थी, तो इस तरीके का स्टेप लेना आई थिंक आई एम श्योर लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हुआ होगा, तो अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई अपनी जान दे देता है किसी के लिए। एक तरफ मुंबई में मातम का माहौल है तो दूसरी तरफ जमशेदपुर में लोग इस खबर से बेहद सदमे में हैं। 24 साल की प्रत्युषा ने दुनिया को अलविदा कह दिया, घर वाले और रिश्तेदार इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। मैं ट्यूशन से आई, देख रही मेरे मम्मी पापा सब रो रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ, न्यूज चैनल देख रहे थे, तो मैंने न्यूज़ में देखा मेरी बहन नहीं है, मम्मी यहाँ पे पढ़ाती थी गरीब बच्चों लोग के लिए और हम लोग के साथ में पढ़ते थे, वो भी पढ़ाती थी हम लोगों को, बहुत अच्छी थी। सूत्रों के मुताबिक इन दिनों प्रत्युषा के पास ज्यादा काम नहीं था और वो पैसों की तंगी से गुजर रही थी, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से
प्रत्युषा ऐसा कदम उठा सकती हैं। प्रत्युषा की दादी के मुताबिक उसने कहा था कि कुछ पैसे जमा कर लेने के बाद वो शादी करेगी। कल के रात के कथा बोलछि सर। কত টাই? রাত তখন 11:30টা হয়ে গেছে। আমার বলল তুমি কি জেনেছো? আমার কিছু না, আমি পেপে খেয়েছি বুড়ি মানুষ আর মুগুরটা। কোনো মেন্টালি টেনশন কোনো না, কোনো কিছু টেনশন ছিল। হাসি কিছু বললাম তো কাল রাত 11:30টা কি কত হাসি মজা করলে। ও আসলে পরে পায়ার দিয়ে প্রণাম করা কথা বলা এই বলে আমরা কোনো টেনশন ওর মধ্যে দেখিনি। छोटे पर्दे पर सीरियलों के जरिए घर घर में पहचान बनाने वाली प्रत्युषा की मौत की खबर से वो दर्शक सदमे में हैं, जिन्होंने बड़ी आनंदी के रूप में प्रत्युषा को अपने दिलो दिमाग में बसा रखा था। प्रत्युषा की खुदकुशी की खबर सीरियल में आने वाले उस सनसनीखेज मोड़ की तरह है जो दर्शकों को चौंका देती है। फिर सीरियल में ट्विस्ट आता है और दुनिया को अलविदा कह चुका शख्स फिर नजर आने लगता है, लेकिन ये सीरियल नहीं असल जिंदगी है। और इस जिंदगी को इस खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। शिवांगी ठाकुर, मुंबई, IBN 7।